स्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, आज के विस्फोट स्टॉक देख लेते हैं, साथ में कल के इंट्राडे के परफॉर्मेंस भी बताऊंगा आपको। कल हमारे कितने चार्ट पैटर्न पर लेकर चलूंगा आपको, कितने हमारे स्टॉप लॉस और कितने टारगेट हुए, कहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, कौन सा ट्रेड हमारा सबसे बेस्ट रहा। तो चलिए सीधे मैं आपको आकर लेके आ जाता हूँ कल के जो हमारे स्टॉक्स थे। पहला स्टॉक था, हमने टेक महिंद्रा पिक किया था यहाँ पर, और यहाँ पर टेक महिंद्रा में हमें मिलता है सेल सिग्नल डायरेक्टली। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ जो मैंने एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ डिस्कस किया था, देखिए ये डेटा डायनेमिकली थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है मार्केट ओपनिंग के साथ, तो आप लोग को इसमें थोड़ा सा अपने आपसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। 1080 के प्लस में हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना था, 1072 के नीचे हमें नेगेटिव ट्रेड लेना था, यानी 1080 से 1072 के बीच में कुछ पॉइंट्स गैपिंग होती है। 1072 के आसपास हमने यहाँ पर अगर बात करूँ तो पहली कैंडल ये थी, फर्स्ट कैंडल 1072-75 के आसपास गई थी। सेकंड कैंडल पे हम आते ही हमें यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल जाता है, यहाँ कहीं पे 15 मिनट के कैंडल में देख रहा हूँ मैं, मैंने बात को बताया 15 मिनट के कैंडल के आसपास आपको थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ से 1072 से नीचे आ जाता है और ये 1066 के आसपास हम इसे शॉर्ट करते हैं, और हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और ये डायरेक्टली चला जाता है। अगर यहाँ पर बताऊँ आपको टारगेट, शॉर्ट साइड का टारगेट क्या हमारा था, शॉर्ट साइड का टारगेट वन हमारा था 1065 का, तो उसके तो आसपास हमने किया ही था। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, और यहाँ पे 1059 तक हमें हमारा टारगेट मिल जाता है, इवन इफ उससे नीचे भी गया था। और मैंने पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं दिन के इधर के आसपास एग्जिट किया हूँ लगभग 1052 के आसपास, यानी 1052 रुपये के आसपास मैं एग्जिट किया हूँ। समझ सकता कितना ये ट्रेड बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा मेरे लिए। बात करें सेकेंड ट्रेड की तो बर्जर पेंट, यहाँ पे हमें सेकेंड स्टॉक हमारा था बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की यहाँ पर डिस्कशन करें तो एंट्री पॉइंट 816.5 के प्लस में आपको पॉजिटिव ट्रेड, 812 के नीचे नेगेटिव ट्रेड, 816 और 812 देखते हैं आते हैं यहाँ पर। 816 के आसपास नहीं है ये, 812 के आसपास हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना था। 812 के आसपास यहाँ कहीं कैंडल पे यहाँ पे हमें मिलता है पॉजिटिव ट्रेड, 814 के आसपास हम इसे बाई करते हैं। और बता के चलो आपको यहाँ पर 816 के प्लस में हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना था, तो 812 से प्लस में हमें मिलता है यहाँ पर, और 816 के आसपास हम यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड ले लेते हैं इस वाली कैंडल पे, इसी कैंडल के इस वाले टॉप पॉइंट पे लेते हैं। और टारगेट वन हमारा यहाँ पर आते आते रह जाता है, टारगेट वन की बात करें 825 का हमारा टारगेट वन था, टारगेट वन के पास पहुँच के और थोड़ा सा नीचे ही रह जाता है। इस सिचुएशन में हम यहाँ पे मैं करता हूँ वेट, यानी मैं रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ। और क्या होता है कि ये स्टॉक फिर से नीचे आता है, मैं आपको बताया जब कभी भी स्टॉक आपको दोबारा सेम टारगेट के आसपास जाए आप एग्जिट करो। मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट के लिए टारगेट यहाँ पर मतलब 4 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ, अगर मैं छोड़ देता तो स्टॉप लॉस हमारा हिट होता, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे, थोड़ा सा आप समझ सकते बहुत कम प्रॉफिट था। बात करेंगे थर्ड स्टॉक की, हमारा IGL। IGL हमें बहुत ही परेशान किया, कल बता रहा हूँ आपको 568.20 के प्लस में आपको पॉजिटिव ट्रेड, 566 के नीचे नेगेटिव ट्रेड लेना था। 568 के आसपास हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना था यहाँ पे, यहाँ पे हमने पॉजिटिव ट्रेड लिया, मतलब कल यह बहुत अच्छा सा स्टॉक साबित हो सकता था, यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड मैंने लिया। उसके बाद हमें क्या करना था यहाँ पर, बात करेंगे 572 के आसपास हमारा टारगेट वन था, 572 नहीं आता है 71 पहुंचता है, वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, फिर दोबारा हमारा 571 का लेवल आता है और यहाँ पर हम एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो कल हम जो हमारे दोनों बर्जर पॉइंट पेंट और IGL था, तो ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है आपको टारगेट वहीं पर, टारगेट आप लोग थोड़ा मोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंट, आपको लगे कि हाँ मुझे प्रॉफिट काम भर हो रहा है तो आप कर सकते हो। अब आते हैं आज के इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक रहेगा इंफोसिस, और यहाँ पर आपको देखिए कल आज का मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होने वाला है, थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, ट्रेड अवॉइड कर दीजिएगा, जितने भी फ्रेशर लोग हैं तो बहुत ही बेटर होगा। इंफोसिस सेकंड स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। इंफोसिस में 1580 के आसपास आपको टारगेट वन रखना है, 1598 के आसपास टारगेट टू रखना है, अगर पॉजिटिव ट्रेड मिलता है तो। बात करें स्टॉप लॉस वन की तो 1550 के आसपास, स्टॉप लॉस टू की बात करें 1545, और ये डेटा कल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो आपको आज की परफॉर्मेंस या डायनेमिक बाजार में थोड़ा सा ये डेटा चेंज हो जाता है। बात करें सेकंड स्टॉक, फिर हमने टेक महिंद्रा लिया है, टेक महिंद्रा कल हमें बहुत ही अच्छा नेगेटिव ट्रेड लिया था,
10.665 के प्लस में पॉजिटिव ट्रेड, 10.84 का सेकंड टारगेट लेना है। स्टॉप लॉस की बात करें 10.39, स्टॉप लॉस टू की बात करें तो 10.30। बात करें सेकंड हमारे थर्ड स्टॉक की बात करूँ टाइटन, टाइटन हमारा परसों का ट्रेड था और बहुत ही बेकार ट्रेड गया था। टारगेट वन की बात करें 10.76, टारगेट टू की बात करें 10.88, स्टॉप लॉस वन की 1747, 1747, 1747 और 1733। अब एंट्री और एग्जिट पॉइंट की बात करें, इन्फोसिस 1569 के प्लस में आपको यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड मिलने के आसार बन सकते हैं, 1559 के नीचे आपको नेगेटिव ट्रेड बहुत अच्छा मिल सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें 1057 के प्लस में ही आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है, इसके नीचे आपको थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड मुझे ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। टाइटन की बात करेंगे 1761 के प्लस में आपको पॉजिटिव ट्रेड मिल सकता है, 1754 के नीचे नेगेटिव ट्रेड मिल सकता है। तो आज के लिए इतने मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, तब खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।